अगर आपको किडनी की समस्या है या स्प्लीन में प्रॉब्लम है, मूत्र संबंधी कोई सा भी रोग है या टॉयलेट करते हुए जलन होती है, अगर आपके साथ ऐसी समस्याएं आ रही हैं, तो आप कौन से योगिक अभ्यास और कौन से आसन करके अपनी किडनी की समस्या को दूर कर सकते हैं? तो आएंगे अभ्यास के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले आपने इस प्रकार आसन में बैठ जाना है। इस प्रकार दोनों पैरों के बीच में गैप देके बैठें। अब आपने क्या करना है, सीधे घुटने को बाएं पैर के सामने, फीट के सामने की ओर आपने इस प्रकार ड्रॉप करना है और बाएं घुटने को बाएं हाथ से इस प्रकार दबाएं और पूरा मुड़ के बाएं साइड देखें, श्वास बाहर छोड़ते हुए, फिर श्वास भरते हुए वापस आए और फिर श्वास छोड़ते हुए आपने बाएं घुटने को सीधे पैर के आगे इस प्रकार रखा, सीधे हाथ से सीधे पैर के घुटने को दबाया और सीधे साइड इस प्रकार कमर को मोड़े श्वास छोड़ते हुए, फिर वापस आए श्वास भरते हुए और इस प्रकार आपने 10 से 12 बार इसका अभ्यास किया और फिर थोड़ा सा रिलैक्स करें। अगर आपके घुटनों में दिक्कत है तो सबसे पहले घुटनों की समस्या को सॉल्व करें, उसके बाद ही इस अभ्यास को करें, नहीं तो आपके घुटने में पेन हो सकता है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, दोनों नाक से आपने एक साथ श्वास को भीतर भरा और रोक लिया और फिर पूरा भार छोड़ा और फिर पेट को आपने अंदर खींचना है। पहले मैं करके दिखाता हूँ, फिर आप करें। दोनों हाथों को आपने घुटने पर रखा, लंबा गहरा श्वास भरा और फिर पूरे श्वास को बाहर छोड़ दिया। पहले नाक से छोड़ा, बचे कुछ श्वास को मुंह से बाहर। इस प्रकार जब तक आप पेट को भीतर रोक सकते हैं रोक के रखें, जब श्वास ना रोका जाए तब पहले पेट को ढीला छोड़ें, फिर श्वास को भीतर भरें। 10 से 12 बार आपने उड्यान बंध लगाया और फिर रिलैक्स करें। तो इतने ही अभ्यास से आपकी किडनी की समस्याएं दूर हो जाती हैं, परंतु स्टोन नहीं सही होगा। स्टोन के लिए आप अलग से अभ्यास करना होगा आयुर्वेदिक दवाइयां। तो इस प्रकार आप अपनी किडनी की समस्या को खत्म कर सकते हैं। इसी के साथ खान पान पर भी ध्यान रखें। पानी का सेवन दिन भर में 5 लीटर, कम से कम 5 लीटर आपने पानी पीना है और इसी के साथ आपने मीठा कम कर देना है। जैसे आप कुछ भी खाते हैं तो इनका सेवन कम कर दें, पानी अधिक पिएं।